नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की फर्स्ट भाग के लास्ट अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस समय। आज की जो टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, अर्थात मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति अपना क्या सिद्धांत दिया था, आज हम उनको समझेंगे। साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण को समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को समझाने के लिए हमने पहले से ही सारे चीजें लिख लिए हैं, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है प्यारे बच्चों, तो जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आपको समझने में दिक्कतें आती हैं। तो सारा मिला जुला के कि आपको आसानी से समझ में आ सके, इसीलिए सारी चीजें पहले ही लिख दी गई हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हम पुराने, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज की वीडियो खूब अच्छे से जबरदस्त समझ में आने वाला है कि मैक्सवेल ने क्या बताया था। मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसमें परिवर्तन करें, यानी मिला जुला के एक वर्ड उसके लिए उपयोग कर लेते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रहा? मैंने क्या बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा में अगर परिवर्तन किया जाए, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण हो जाता है। मैक्सवेल ने यही बताया था। मैक्सवेल के नियमानुसार परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनमें दो क्षेत्र पाया जाता है, एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आइए हम समझते हैं कि आखिर मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत से विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या कैसे की। देखिए प्यारे बच्चों, हमने उसके लिए डायग्राम बनाया है। एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है, एक एक्स अक्ष है। एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हम लोगों ने बनाया यहां पर प्यारे बच्चों। अब वाई अक्ष को हमने दिखाया विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, अर्थात जो जैसे जैसे हम वाई अक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद हमने एक जेड एक्सिस दिखाया, इधर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दिखाया, मतलब इधर की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बढ़ती चली जाएगी प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद ये आगे जो दिखाया गया है, आगे दिखाया गया तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, यानी जो तरंग है वो ऐसे ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक, देखिए तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष को हमने दिखाया है, मतलब तरंगे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां तक चल बढ़ चुकी है। अब आप एक बात यहां से समझिएगा प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र को हमने रेड मार्कर से रेड रेखा से दिखाया है या लाल रेखाओं से दिखाया है, और जो आपकी विद्युत क्षेत्र है उसे हमने काली रेखाओं से दिखाया है। अब आप यहां समझिए क्या होता है, कैसे आप ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल के नियमानुसार परिवर्ती, क्या प्यारे बच्चों, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर देते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करता है? व्यक्त कर दे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर देता है। चलिए, इतनी बात तो मैक्सवेल के द्वारा पता चला, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इनकी खास बातें होती हैं, इनमें दो प्रकार की क्षेत्र पाई जाती है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के क्या लंबवत, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, की दिशा के लंबवत होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में प्यारे बच्चों दिखाया जा रहा है, यही है। अब आप एक बार फिर से समझिए, मैक्सवेल क्या बता रहे हैं कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती है। ये उन्होंने अपने पहले पहले ही लाइन में बोल दिया कि भाई साहब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेंगी। चलिए इतनी बात हम मान लेते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए
विद्युत क्षेत्र, ये आप यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, वाई ये है, जेड ये है, तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों, लंबवत है, हर एक जगह जो है आप देख सकते हैं 90 अंश का एंगल बन रहा होगा। तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और साथ साथ कह रहा है ना कि जो संचरण की दिशा है उसके भी ये दोनों लंबवत होंगे, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होगा। यानी प्यारे बच्चों जब आपका ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पहली वाली उंगली को समझिएगा जो जिसे आप तर्जनी कहते हैं प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे जा रही है, तो इस समय इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों, वो मान लेते ये वाली उंगली व्यक्त कर रही है, और साथ में प्यारे बच्चों आगे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम कैसे आपको दिखाएं प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होगा, एक यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, आप समझिएगा जरा सा, जैसे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इधर जा रही हैं, ऐसे करके इधर की तरफ जा रही हैं, तो इसमें दो दो क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र। तो मानते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ हो और विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ऐसे आप ये समझे होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऐसे इस प्रकार तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत। आइए हम इसको समझा देते हैं। ये मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया प्यारे बच्चों, ये अंगुली मध्यिका जिसे आप कहते हैं, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है और ये विद्युत क्षेत्र। तो भैया वही मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं वो आगे की तरफ तो चलती है, मान लीजिए संचरण कर रही है, परंतु जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं और एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं। यही है मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग का सिद्धांत प्यारे बच्चों। और एग्जाम में अधिकतर पूछता है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत क्या होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे आगे बढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज कितने होते हैं प्यारे बच्चों। और बता दें विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार है, अब जितनी सारी चीजें यहां बता दी जा रही उससे भी ज्यादा कहीं अभिलक्षण मिल जाएंगे इनके प्यारे। आइए हम देखते हैं। अब इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, पहली प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है, अर्थात जितनी वेग से प्रकाश चलेंगी उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी चलती हैं। अर्थात अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी संचरित करती हैं, उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी चलती हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यहां लिखा गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो अगली प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर किसके कारण उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है, वहां तो मान लिए परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, क्या और किसी विधि से उत्पन्न किया जा सकता है? जी, और एक विधि है, हमने पढ़ा था या प्यारे बच्चों अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, बामर लाइमन पास्टर्न फुंड, ये सारी श्रेणियां होती है वहां पर, वहां पर बताया जाता है कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो परमाणु के उपस्थित परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाहर की ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में चला जाता है, उसे संक्रमण कहते हैं प्यारे बच्चों। और जब वो अपनी पुरानी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाता है तो वहां कम समय के लिए रहता है और फिर वापस लौट आता है, तो लौटते वक्त वह विकिरण उत्सर्जित करता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। यही चीज लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? आपने एक पढ़ा होगा साइक्लोइलेक्ट्रॉन, पढ़े थे ना, वान डे ग्राफ जनित, ये सब क्या करते हैं, आवेशों को त्वरित करते हैं, आवेशों को एकदम गतिमान करते हैं, याद आ रहा होगा प्यारे बच्चों? यदि आपने नहीं पढ़ा वान डे ग्राफ जनित तो आप जाके तुरंत वान डे ग्राफ जनित को देखिए, ठीक। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है।
चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। ये जो तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो निर्वात में भी चलती हैं भैया। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चलती हैं, परंतु इनका जो निर्वात में वेग होता है वो 1/μ0ε0 के बराबर होता है। ये लिखा गया, देखिए ये तरंगे निर्वात में 1/μ0ε0 वेग से संचरित होती है, अर्थात निर्वात में भी इनका वेग इसके बराबर होता है, 1/μ0ε0 के बराबर होता है। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो श्रृंग और गर्त के रूप में प्यारे बच्चों चलती है। ये देखिए अनुप्रस्थ की प्रकृति है, जो इस प्रकार चले, जो इस प्रकार चले वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है प्यारे बच्चों। चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र E है और चुंबकीय क्षेत्र B है। रेड वाले चुंबकीय क्षेत्र हैं और ब्लैक वाले भी विद्युत क्षेत्र हैं। क्या कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग का ये दिखाया गया आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कलांतर होता है ना, वो पाई बाई टू का होता है प्यारे बच्चों, अर्थात दोनों में 90 अंश का कलांतर होता है। इतनी बात समझ ले, कलांतर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भी अभी आप कलांतर इस समय हम बता दे रहे हैं, परंतु तो आगे की क्लास में अभी जब प्रकाश की पढ़ाने लगेंगे तो वहां कलांतर की व्याख्या हम लोग आराम से सीखेंगे, या तो हमने प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर पढ़ा था, पढ़े थे ना, तो वही चीज समझिएगा कि कलांतर क्या होता है प्यारे बच्चों। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर पाई बाई टू होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो अंतर आता है वो कितने का रहता है? पाई बाई टू, अर्थात 90 अंश का रहता है। अब आगे अगला जो प्रॉपर्टी है, इन तरंगों में अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन और ध्रुवण भी होता है। मिसप्रिंट है प्यारे बच्चों, दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं। इन तरंगों में अपवर्तन, व्यतिकरण और परावर्तन तथा ध्रुवण भी होता है। तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो कि इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा अपवर्तन, ठीक, ये भी कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा परावर्तन, परंतु ये दो चीजें आपने नहीं पढ़ा है, तो इंतजार कीजिए प्यारे बच्चों, जब सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम वहां पर चर्चा करेंगे ध्रुवण और व्यतिकरण का, ठीक। ध्रुवण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, अर्थात ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनका अपवर्तन भी होता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसे समझिए, पहले हम आपको अपवर्तन क्लियर कर देना चाहते हैं, थोड़ा सा याद करा दें प्यारे बच्चों। अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अर्थात प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यह प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह भी अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है बच्चों? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी अपवर्तन होता है, ठीक। अब व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है प्यारे बच्चों, इस समय हम इनकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे, परंतु आगे की क्लास में व्यतिकरण और ध्रुवण आपको बताया जाएगा, तो आप वहां से याद दिमाग में आ जाएगा कि हाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यह घटना होती है। चलिए अब हम बात करेंगे परावर्तन की, जो आप जानते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह पर, किसी पॉलिशदार दर्पण पर पड़ती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही सेम टू सेम डिट्टो वाली प्रॉपर्टी विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी होती है। अर्थात जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे
किसी दर्पण यानी किसी चिकने तल पे पड़ती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन भी होता है। अब हम आगे की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हमको यहां पर महत्तम मान नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा है, वहां पर महत्तम मान खूब अच्छे तरीके से बताए कि किसी भी क्षण धारा का, वोल्टेज का, चुंबकीय क्षेत्र का, किसी का भी अधिकतम मान ही महत्तम मान कहलाता है। तो यहां पर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान ई नॉट तथा चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान बी नॉट का जो अनुपात होता है ना, वो निर्वात में तरंगों की चाल के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जरा सा इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इस पॉइंट में न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में। ध्यान से, ये कोई ऐसा हल्का फुल्का पॉइंट नहीं है प्यारे बच्चों। आप इस फार्मूले को, इस सूत्र को याद करके रखिएगा कि ये एग्जाम में यहां से इस सूत्र पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और हम न्यूमेरिकल का नेक्स्ट क्लास जो है न्यूमेरिकल का ही रहेगा इन टॉपिकों पे। फिर से, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान, प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान ई नॉट और चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान बी नॉट। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान का जो अनुपात होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? चलिए अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। इन तरंगों के स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह, एक श्रृंखला, एक क्रम से तैयार की गई श्रृंखला। इन तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है वो शून्य से अनंत तक होता है। बात समझिए जरा सा, स्पेक्ट्रम में इन तरंगों की जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, एक श्रृंखला जो प्राप्त होती है, उसमें जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आती है वो जीरो भी होती है, एक भी होती है, दो भी होती है और अनंत तक चली जाती है। अगली प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न जो प्रकाशिक प्रभाव होता है, अर्थात जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें जहां से गुजरती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, वो प्रकाश का प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, न कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये पॉइंट आपका देखिए क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि भाई किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण जो प्रकाश की प्रभाव उत्पन्न होती है, जो प्रकाश की घटना उसमें होती है, वो उसके विद्युत क्षेत्र के कारण होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टीज थी, और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रति क्या सिद्धांत दिया था प्यारे बच्चों, वो सारी क्लास यहाँ पर छोटी सी क्लास में समाप्त कर दिए गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, और उम्मीद है, आई होप कि आज की वीडियो आपको जबरदस्त पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों क्या शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िए प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।